मुंबई में फेरी वालों को लेकर कांग्रेस और एमएनएस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। मुंबई शहर के दादर इलाके में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेरी वालों के समर्थन में एक रैली निकाली, लेकिन तभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और रैली अखाड़े में बदल गई। दरअसल पिछले दिनों मनसे कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय फेरी वालों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस वहां फेरी वालों के समर्थन में आ गई है। इसी को लेकर आज फेरी वालों के सम्मान में कांग्रेस ने एक रैली निकाली, लेकिन तभी वहां मनसे कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेसियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष शांत नहीं हुए, जिसके बाद वहां तुरंत रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों में कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। हालांकि इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। आपको बता दें कि एल्फिंस्टन ब्रिज रेलवे स्टेशन की भगदड़ हादसे के बाद राज ठाकरे ने फेरी वालों को 15 दिन का समय दिया था कि वे हट जाएं, वरना उनके कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर उन्हें हटा देंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर को मनसे के कार्यकर्ताओं ने फेरी वालों के साथ मारपीट की थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।